अभी हम देख रहे हैं बीपीसीएल का चार्ट। देखिए बीपीसीएल में क्या हो रहा है, हम लोग को यहाँ पे दिखाई दिया इसी पॉइंट से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ से सेलिंग प्रेशर फेस किया और देखिए बहुत तेजी से इतना बड़ा फॉल दिखा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव है दिख रहा है हम लोग को। यहाँ पे देखते हैं ये एक लो बेस बनाया, ये एक लो, एक लो 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 लो। ठीक है, तो मार्केट में देखते हैं हम लोग यहाँ से लो बना, नया लो बनाने के लिए इतना बड़ा डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से नया लो में डिस्टेंस कवर, यहाँ से छोटा, यहाँ से मीडियम, यहाँ से छोटा, और यहाँ पे देखते हैं सेकंड टाइम में कर नहीं पाया, फेल हो चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में हम लोग यहाँ पे क्या उम्मीद कर सकते हैं, तीन चीज़ें उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू होगा, डाउन साइड फॉल, साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, चैनल में या तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग को रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या उम्मीद करें। ठीक है, मार्केट यहाँ से इतना बड़ा फॉल करने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइडवेज चैनल देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, साइडवेज के बाद हम लोग ये दोनों पॉसिबिलिटी में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है, मार्केट अभी साइडवेज है। तो देखिए क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है मार्केट इस चैनल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट देकर निकलने लगे और ब्रेकआउट कैसा हो, कंफर्मेशन वाला हो, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट लॉन्ग कर सकते हैं, मार्केट में क्या हो सकता है, रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है कंफर्मेशन के साथ, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखेंगे, मार्केट डाउन साइड फॉल करते हुए देखने को मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस वेट करेंगे कि चैनल का अपसाइड और डाउन साइड इधर मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता है, उसी के बाद हम लोग तो पता है कि क्या प्लान है हम लोग का, तो उसी हिसाब से इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट कीजिए, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं।